23 जनवरी 2023 कुछ लोग हमारे बेस में रेड कर देते हैं। लेट्स गो। रुको रुको, पहले देख लेते ना पूरा कैसा बेस है यार। यहाँ विलेजर शेयर है, लेट्स गो। चलो भाई लगाओ लगाओ लगाओ। मार मत मार मत, ये विलेजर मत मार, बेचारे बेचारे के विलेजर। अरे मार दिया, अब क्या फायदा, अब तो जला देते गाइस मैं भी। इसने एक्सीडेंटली अपने कोऑर्डिनेट रिवील कर दिए थे और हमको दिख गए। ब्रो कितना खतरनाक तरीके से तबाह कर रहे हैं इसके बेस को। और इन लोगों ने इसी तरह इस बेस वॉर को स्टार्ट किया है, बट इसको खत्म हम करेंगे। और बुरी चीजें अभी भी खत्म नहीं होती, तो जब मैं एंड से जा रहा होता हूँ वहीं पे मेरा इलाइट्रा टूट जाता है और मैं वॉइड में गिर के मर जाता हूँ। बट यहाँ पे मेरा कोई रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं था, इसी वजह से मैं स्पोन पे स्पोन होता हूँ और वहीं लेफ्ट कर देता हूँ। और कुछ लोगों को पता चल जाता है कि मैं स्पोन पे हूँ। एंड नाउ मुझे अब 5 मिनट में गेम को ज्वाइन करना था। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो लापता एसएमपी एक लाइव स्ट्रीम सर्वर है, और इसी तरह अगर मैं अभी ज्वाइन करता हूँ तो वो लोग मुझे इंस्टेंटली बार बार मार के बैन कर सकते हैं। हमारे पास अब सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन था, वहीं पे जाकर अगर हम बेड को वापस लगा दें तो मैं वहीं पे रिस्पॉन होऊंगा। बट ये इतना इजी नहीं था। माइनस में हो क्या यार, 5000 2000 नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। ओह माय गॉड, 2 मिनट लेफ्ट ओपियो। कुछ पॉइंट क्लिक करके बैन कर देगी, आज पॉइंट भी जलूंगा, चलता हूं फिर। ना ही ओपियो बेस तक पहुंच सकता है और ना ही वो स्पॉन तक पहुंच सकता है। एंड फाइनली टाइम भी ओवर हो चुका है, तो अब मुझे गेम को ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे आप जल्दी लीव नहीं कर सकते, ठीक है प्लीज लीव मत कर रहा। ओके जल्दी मारो, नाम खराब तो नहीं कर रहे ना मेरा पीएचडी भाई। भगवान माय गॉड, वेट यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेट्स गो बेबी, देखना ऊपर 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 ऊपर, जल्दी कोई ऊपर जाओ जल्दी। मैं हूं, लेट्स गो बेबी, भागो आटू, कोई छुप जाओ जाके, भाग के। सॉरी आटू, हम बार बार स्पॉन करेंगे, मरेंगे हम, खुद मरेंगे, आप लोगों से नहीं मरेंगे बच्चों। किधर है, किधर है? यस इनको हार्ट मत दो, मारो खुद, मारो भाई, खुद ही मार लो। वेट ओके, वही वही चाइनीज नहीं सकता, आप लोगों को हार्ट से मिलेंगे। इनसे मत मारो, हां इनसे मत मारो, इनको हार्ट मत दो। कितने हार्ट से बात है इन लोगों से, दादियो चाहता मैं, लेट्स गो। कुड बेन हो गए, यस कुड बेन। एंड यहां पे जेडजोर और डीओपी इलाइट्रा यूज कर रहे होते हैं, बट इस सर्वर में इलाइट्रा फाइटिंग के टाइम पे यूज नहीं किया जा सकता। और इसी तरह आगे चल के इनके साथ बहुत बड़ी गेम होने वाली है। और इसके बाद ओपियो मुझे रिवाइव कर देता है। एंड नाउ इन लोगों से मैं बहुत तगड़ा रिवेंज लेने वाला हूं, बट उससे पहले हम इस बेस वॉर को एंड करना है जिसको मिस्टर लैपिस और स्टीवी ने स्टार्ट किया था। तो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर लैपिस का तो कोई बेस नहीं है, बट स्टीवी की एक वीडियो आती है जिसमें वो अपना एक पूरा न्यू बेस बनाता है। और इसके बाद हम काफी देर तक बेस को ढूंढते हैं, बट हमें ट्रीज और माउंटेन्स के सिवा कुछ नहीं मिलता। और कुछ दिन बाद अब दीपू भाई की वीडियो आ जाती है जिसके अंदर हमें कुछ सेकंड्स के लिए उस बेस के कोड्स मिल जाते हैं। ओह हेलो व्हाट्सएप में, हे 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 हे, तोड़ देते यार ये, ओ इनके सारे विलेजर्स पड़े हुए अंदर, ओ माय गॉड, इतना तो हमने भी नहीं ग्राइंड किया था जितना ये लोग ग्राइंड कर चुके अपने बेस में। ओ यार सारे टूल्स और लूटिंग 3 की स्वॉर्ड्स पड़ी, स्वीपिंग इस तरीके से। यहां पे क्या लगता है किसी का रिस्पॉन पॉइंट सेट होगा? ओपियो ओ इधर दीपू भाई का है, दीपू भाई का इधर होता है, कैसे क्या बोलता है दीपू भाई का? स्टीवी की वीडियो में देखा था ना आपने कि दीपू भाई को तो मार मार के इधर रिस्पॉन वाले थे, लेकिन जब मैं बैन उड़ता था दीपू भाई सैड नजर आ रहे थे, इस वजह से आई डोंट थिंक सो नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद हम स्टीवी को गेम में आने का कहते हैं, बट उसके एग्जाम्स हैं इसी वजह से वो बिजी है। बट हमने सोचा क्यों ना स्टीवी का बेस उसके टीममेट के सामने फोड़ा जाए, अगर दीपू भाई इधर हो ही नहीं तो। और दीपू भाई जॉइन द गेम, वेट फिर ओके इधर हो सकते हैं, रिप्ले से जाके आप देख के आओ, जल्दी जाओ, मैं अपने आप को इन्वेस्ट कर लूँ ना। हाँ कर लो इन्वेस्ट कर लो, दीपू भाई तो नहीं दिख रही इधर अभी, इन्वेस्ट का पोर्शन जाया करवा दिया यार। दीपू भाई को बोलो 5 sharpness 5 की बुक दोगे? बोल दिया मैंने उनको, चलो देखते हैं आप क्या रिप्लाई देते हैं। ओ माय गॉड भाई आ जाए किसी तरह बस। ओए ब्लॉक आपने तोड़ा? या इट्स टू हेड। ओ किसी नेम टैग देखा मेरे को, क्या आप हो? नहीं मैं नहीं हूं। कुल लेट मी चेक फ्रॉम रिप्ले। ओ दीपू भाई कहने, देखता हूं बेस पे आएंगे, वो जरूर आएंगे। दीपू भाई को बोलो कि दीपू भाई हमको चाहिए 5 sharpness की बुक, सही आप दे सकते हो क्या? ओपियो इनवेज लगा लो ब्रो, उस टीवी पे होगे। ओह यार उनको बेस पे किस तरीके से बुलवाया जाए, वो ऑफलाइन है आप देख सकते हो, आपके पास कोई विलेजर है? ओके वो बेस पे आ रहे हैं क्या विलेजर देखने के लिए? हां बेबी। Oh my! Ready हो ना वैसे आप तो? Yes. Oh spawn पे, अभी spawn पे। Ah my god! मार दिया मैंने उनको, कितने समान है, जल्दी समान हो यार बड़ी की बात। और निकलो बच्चे, मार दिया मैंने। ओ दीपू भाई का नेम टैग दिखा दियो आगे। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे?
बाहर खड़े हुए अंदर को आने दो। ओह माय गॉड। एंड यहाँ पे हमने लिटरली इतनी बड़ी गलती कर दी थी। हमने जो दीपू भाई का बेड ऑब्सीडियन से कवर किया था उसको हम रिमूव करना भूल गए। एंड दीपू भाई ने वो देख लिया और वो उसी टाइम लेफ्ट करके। और इसके बाद हम उनके आने का वेट करते हैं और हम उनको डिस्कॉर्ड पे भी मैसेज करते हैं, बट दीपू भाई तो ऑफलाइन चले गए हैं। तो इसी वजह से अब इस स्पेस को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। कोई आए नहीं रहा यार, यही लास्ट ऑप्शन है। तुम्हारे सालों की मेहनत, आई मीन महीनों की मेहनत, ये देखो कैसे तबाह हो चुकी है एक सेकंड के अंदर ही। लिटरली भाई इन्होंने हमारी एक ईंट नहीं छोड़ी थी भाई, सारा का सारा फोड़ देंगे आज तो। नहीं हमारा पोषण वाला एरिया बच गया था, हमने भी उनका वो पोषण वाला एरिया छोड़ दिया। ओके एंड अब टाइम था इन लोगों से रिवेंज लेने का। तो इन लोगों को मारने के लिए मुझे बनानी थी एक ऐसी लैग मशीन जिसके थ्रू उनके सारे FPS ड्रॉप हो जाए और हम उनको इजीली मार पाए। ओके तो गाइस मैं फाइनली अपने प्रैक्टिस वर्ल्ड में आ चुका हूँ एंड अब हम एक बनाने वाले हैं लैग मशीन। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर पूरा बढ़ देना है आर्मर स्टैंड से एंड अब हम यहाँ पे एक लूप बना देंगे। एंड नाउ गाइस ये यहाँ पे इस एंटिटीज को बार बार स्पोन करता रहेगा एंड जैसी एंटिटीज बढ़ जाएंगी उसके बाद यहाँ पे लैग होना शुरू हो जाएगा। ओके गाइस सर्वर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लैग होना शुरू हो चुका है। अगर मैं किसी बंदे को यहाँ फाइट के लिए बुलाता हूँ तो मेरे भी साथ में FPS गिरेंगे। ये लैग मशीन में भी सिर्फ उस वक्त काम करती है जब हमने किसी एक बंदे को ट्रैप करना हो। सो इस वजह से गाइस हमें लगता है इसको अब खत्म करना चाहिए। ओके नाइस अब जाके भाई सुकून हुआ। ओके गाइस अभी हमारे यहाँ पे जो एंटिटीज है वो बिल्कुल 3 पे है एंड व्हाट इफ अगर मैं अपने आप को बार बार 100 के 100 स्वॉर्ड्स दूं। ओके सो गाइस यहाँ पे हमारे पास टोटल आ चुके हैं अभी के लिए 1600 एंटिटीज। हमारे FPS ऑलरेडी 5 पे जा चुके हैं। तो ये एक सोर्ड है जो कि एक अनस्टैकेबल आइटम है और ये है प्लैंक्स जो कि लिटरली अपने अंदर 60 आइटम को सोर्ट कर सकते हैं, बट एक सोर्ड अपने अंदर दूसरी सोर्ड को सोर्ट नहीं कर सकती। सो बेसिकली ये 64 प्लैंक एक ही ओर में रहते हैं, उसी तरह हमें स्टैक्स ऑफ सोर्ड एक ही ओर में करने के लिए कोई मोड चाहिए। ओके गाइस मुझे फाइनली एक मोड मिला तो है बट आई एम नॉट श्योर कि ये वर्क करेगा कि नहीं। ओह माय गॉड एंड या ये मोड भी वर्क नहीं करता बट मैं अभी भी हार नहीं मानता। मुझे कोई ना कोई ऐसा मेथड जरूर ढूंढना था जिसके थ्रू मैं अपने एनिमी के FPS ड्रॉप कर पाऊं एंड या कुछ दिन बाद फाइनली मुझे वो तरीका मिल जाता है। ओके सो गाइस फाइनली मुझे वो ट्रिक मिल चुकी है। यहाँ पे हमने हर डिस्पेंसर में 3 स्टैक एरो भर देने हैं एंड यहाँ से हम वापस चले जाते हैं। एंड नाउ गाइस जैसे हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे और गाइस इन पार्टिकल्स की वजह से हमारे जो FPS है यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ गाइस ऑलरेडी हमारे FPS यहाँ पे 12 पे आ चुके हैं लिटरली। एंड व्हाट इफ अगर मैं यहाँ से जाके अपनी एनिमेशन को ऑफ कर दूं। एंड नाउ गाइस एज यू कैन सी हमारे FPS अभी भी 60 प्लस आ रहे हैं एंड मैं इजीली गेम को खेल सकता हूँ। और अब इसको बनाते हैं अपनी SMP में। तो ड्रैगन भी जो है वो किसी के पास SMP में नहीं है। मैंने सबसे पूछने की कोशिश की लेकिन किसी के पास नहीं है। यार अगर ड्रैगन भी इतनी नहीं है तो टिप डैरोस कैसे बनाएंगे? भी कहीं से ले नहीं सकते बिकॉज टीवी ने एंड के साथ पता नहीं क्या कर दिया जिससे वो ग्लिच हो गया। वो कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई वे नहीं है एरो को बनाने का। तो ये मेरी एक्सपर्टिस नहीं है, आई एम आउट। शार्क टैंक की तो एक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा यार टाइम पास ना करो, टिप डैरोस कैसे मिलेंगे? मैं आपको 3 घंटे के अंदर एरो दे दूंगा, डोंट वरी फॉर इट। और इसके बाद मैं PvP अरीना तो बना लेता हूँ बट उपयोग तो 3 घंटे की जगह उसको यही कुछ 20 घंटे लग जाते हैं लेकिन अभी तक उसको टिप डैरोस नहीं मिलते। एंड नाउ गाइस हमें अपना सेकंड मेथड ट्राई करना है जो के है विलेजर से टिप डैरोस निकलवाना। तो गाइस फाइनली हमारा विलेजर पूरी तरह से रेडी हो चुका है और हमें रीजनरेशन के एरोस दे रहा है। वाओ। एंड सो गाइस फाइनली हमारे पूरे के पूरे एरोस ट्रेड होके हमारे पास आ चुके हैं। लेट्स गो एंड द लास्ट वन। ओके नाउ गाइस हम अब इसको एक दफा ट्राई कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क कर भी रहा है कि नहीं। एंड ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे एरोस गिरना। तो वो दो वर्क कर रहे हैं बट ये पहले वाला वर्क नहीं कर रहा। तो जब मैं पहले वाले को सही कर रहा होता हूँ कुछ देर बाद ये होता है। व्हाट एरो डिस्पॉन कैसे हो सकते इतनी जल्दी? ओके गाइस मेरे साथ बहुत बड़े वाला प्रैंक हो चुका है। मेरे पास जस्ट अभी इतने एरोस बच चुके हैं, मेरे 4 स्टैक एरोस वेस्ट हो चुके हैं बिकॉज SMP में एरोस की जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए है और नॉर्मली माइनक्राफ्ट में 5 मिनट के लिए होती है लेकिन ये अभी कुछ सेकंड में डिस्पॉन हो जाएगा।
एंड ये डिस्पॉन हो गया। यस गाइस, ये 15 सेकंड से ज्यादा तक ही तो टिक ही नहीं पा रहा है एडो। मुझे गाइस अभी सर्वर से कॉन्टेक्ट करके इसकी लिमिट को वापस नॉर्मल करवाना पड़ेगा, और इसी तरह मुझे अब दोबारा जाके वहां से एरोज भी लाने हैं। अरे यार, एक तो पंगे पे पंगे आई जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम दोबारा से एरोज लेके आते हैं एंड आके हम इस चीज को वापस से सोल्व करेंगे। और कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड नाउ, जैसा कि हमें पता है, जेडजोर और डियोप ने फाइटिंग के बीच लाइटर यूज किया है, और इस रूल को ब्रेक करने की वजह से इनको दो पनिशमेंट्स मिल सकती है। एंड नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं इन दोनों से 5-5 हार्ट्स ले सकता हूँ एंड इन टोटल मुझे 10 हार्ट्स मिल जाएंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन इज, इन लोगों को अपनी इन्वेंट्री क्लीन करवानी पड़ेगी। इनकी इन्वेंट्री क्लीन करा के तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट इस तरह जो इन्होंने मुझे मार के हार्ट्स लिए थे वो मैं वापस ले सकता हूँ। तो एज यू नो, क्योंकि आपने रूल ब्रेक किया है, इस वजह से आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप अभी के अभी अपनी इन्वेंटरी क्लियर करवाओगे या आप मुझे 5 हार्ट्स दोगे और ये मामला ये खत्म हो जाएगा। इन्वेंटरी क्लियर में मतलब पूरा जो भी सामान है एंड चेस्ट प्लस सब कुछ क्लीन हो जाएगा। 5 हार्ट्स दे दोगे? हेड देना थोड़ा ज्यादा वो समझूंगा। तो दो फिर, 5 हार्ट्स ले रहा हूँ, बस 5 हार्ट्स। मारा आपने काफी बार था मुझे लाइटर के साथ, बस थोड़ा मारने में 5 ले रहा हूँ मैं। ये लो भाई। यस, थैंक यू फॉर योर 5 हार्ट्स। ठीक है, मतलब जो मैंने रूल, ये क्या कर रहे हो भाई? हेलो, Hey Dio, bye bye, 3 pulsar aaj. What the hell, ye Dio mein pulse wali technique kahan se layi bhai? Yaar banda gayab ho gaya yaar. Is wajah se maine ye lag machine banayi hai taki jo banda bhi humse 1v1 karne aaye usko FPS ki wajah se pull karne ka time hi na mile. Aur ab time tha Zedzord se hearts aur revenge lene ka. Par jab main usko VC aane ka bolta hu to wo VC nahi aata because wo log abhi house shift kar rahe hain. But guys, aap logon ka subscribe ka button dubane ke baad grey ho raha hai ya black ho raha hai? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड नाउ सिर्फ एक लास्ट बंदा बचता है जिससे मुझे बैन होते वक्त मारा था। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो डियो मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, मुझे आपके साथ एक 1v1 करना है, और अगर आप मुझे हरा देते हो देन आई विल गिव यू 10 हार्ट्स। मतलब फेयर रहेगा या फिर कुछ भी सामान लेके आ सकते हैं? हम सेम गियर पे रहेंगे, आप 20 हार्ट्स लेके आओ, मैं भी 20 हार्ट्स लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास है नहीं ना 20 हार्ट। ऐसा करते हैं कि आप 6 पे रहो, मैं भी 6 पे रहूंगा। ओके, बट यहाँ पे एक रूल है, कोई बंदा भी एंडरपल करके भाग नहीं सकता और ना ही कोई बंदा स्टेडियम को तोड़ सकता। तो मैंने एक PvP अरीना बना लिया, मैं आपको उसके कोड दे देता हूँ, आ जाओ वहाँ पे। मतलब भाग नहीं सकते, सीधा मरना पड़ेगा? यस, लास्ट तक लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई जीत गया तो 10 हार्ट मिलेंगे? अगर आप जीत गए तो आपको 10 हार्ट मिलेंगे। अगर आप जीत गए तो? अगर मैं जीत गया तो मुझे आपकी मौत का मैसेज मिल जाएगा। ओ, फिर से ये कॉज, मैं 10 हार्ट दे नहीं पाऊंगा। हेलो डियो, ओके आई एम रेडी। आपको पहले विथड्रॉ करने पड़ेंगे हार्ट भाई। हेलो, तो मेरी इन्वेंटरी में ये पड़े हुए, मेरे पास 10 हार्ट, एंड अगर आप मुझे मार देते हो तो आपके पास खुद ही ऑटोमेटिक चले जाएंगे। आप जाओ पहले। ओह माय गॉड, ठीक है मैं पहले जाता हूँ भाई। एक तो शक से पूरी दुनिया बड़ी बड़ी है, आ जाओ जी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मेरे लग रहा है कोई ट्रैप है एक्चुअली। अरे नहीं है भाई ट्रैप, आप गए हो, क्या पता ट्रैप वैप ऑन कर दियो। आता हूँ मैं तब भी, ठीक है, ट्रस्ट करके आ रहा हूँ। अरे भाई बिलीव मी, कुछ भी नहीं होगा। वो नहीं है कुछ भी भाई, फर्नेस है बस। ओके, व्हाट, क्या हुआ? मेरा गेम लैग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बे क्या लैग हो रहा है, मेरा नेट अभी क्यों जाना था? रुको रुको चेक कर लूं, गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है। व्हाट यू मीन गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है? आपका भी हो रहा है क्या? रुको भाई। नहीं मेरा नहीं लैग हो रहा भाई, आपका हो रहा है क्या? क्या पता भाई, झूठ बोल रहे हो आप, तो एक्टिंग कर रहे हो भाई, एक्टिंग कर रहे हो। अरे अरीना से भाग नहीं सकते थे ना? हाँ ओके, डियो योर हेलमेट को। और इसी के साथ हमारा रिवेंज कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, डिस्कॉर्ड पे भी हमारे 1K मेंबर्स होने वाले हैं, सो अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हो तो हम लोग मिलके बात कर सकते हैं। एंड या, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।